सकाफत के ज़ेर निगरानी क़ायम करदा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बेंगलुरु के पुरसकून और पुरशिको इमारत में मुतहरिक है। हिंदुस्तानी आर्ट और कल्चर का झरोका के नाम से मारूफ इस आर्ट सेंटर में मुल्क के नामवर मुसव्विर यूसुफ अरकल की फ़नी तख्लीकात की नुमाइश सेलिब्रेशन ऑफ सॉलिट्यूड एंड ह्यूमैनिटी रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ यूसुफ अरकल का एहतमाम किया गया है। हाल ही में इस खास नुमाइश का इफ्तिताह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुकूमत कर्नाटक श्री चिरंजीव सिंह के हाथों अमल में आया। इस मौके पर प्रोफेसर एम जे कमलाक्षी, थिएटर की मशहूर शख्सियत श्रीमती अरुंधति नाग, सारा यूसुफ अरकल, शिबू अरकल और नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट्स की डायरेक्टर नाजनीन बानो शरीक रहीं। I extend my thanks to Ministry of Culture, Government of India, as well as the advisory committee members of NGMA Bengaluru for their continued support and patronage. Hope you enjoyed the show as much as we enjoyed putting it up for you. And I would conclude by saying that Yusuf's art is indeed timeless. They are of contemporary relevance and an art of serious contemplation and deep reflection for the humanity at large. So I'm sure this painting will be sold and we will institute an award for design or aesthetics in arts, because Yusuf had so much of that. His sense of aesthetics in the colors he used, in the textures he used, in the subject matter that he chose to actually concentrate on and create a body of works. It was very imaginative of the NGMA to start the inaugural function with traditional drums from Kerala, because Yusuf came from Kerala to Bangalore. Physically he had left Kerala, but Kerala was always within him. In the later works, you find his identification with the downtrodden, with the suffering humanity. And I said that green of youthfulness had become all browns and grays and blacks. And I suppose that's the trajectory of life, and that is also the trajectory of Yusuf's art. He was a thinker, writer, poet. He was a mentor, guide, and force in the art world. He was a generous, kind, and a leader to the young artists and needed his guidance. For me, most importantly, he was my husband and partner with who guided me when I really needed it through life. There was an earnestness to him, a generous heart, and a simple philosophy of living life. That earnestness is very much present in his work. I think what makes great art powerful is that kind of raw, bare bones honesty. आइए देखते हैं यूसुफ अरकल की याद में मुनक्किदा इस खसूसी नुमाइश की चंद झलकियां।
नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स बेंगलुरु की डायरेक्टर मोहतरमा नाज़रीन मानू साहिबा। आपने इंडियन डिफेंस सर्विसेज फॉर इंजीनियर्स ज्वाइन किया। यूं कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान की दूसरी खातून रही हैं जो इस सर्विस को उन्होंने ज्वाइन किया, और इस सर्विस में उन्होंने वो पहली खातून भी बनी जिन्होंने गैरिसन इंजीनियर की हैसियत से 3 मरतबा अहम जिम्मेदारियाँ संभाली। डिफेंस सर्विसेज में अपना तवील तजुर्बा रखने वाली ये खातून जो हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तालीम हासिल की, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, फिर इसके बाद इनका डिफेंस सर्विसेज में इनकी मुलाजिमत हो जाने के बाद उन्होंने अब डेपुटेशन पे वो बेंगलुरु की जो खूबसूरत जो मरकज़ है, सकाफती मरकज़ आर्ट एंड कल्चर का, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स के डायरेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। शुक्रिया। आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि आपका ताल्लुक हिंदुस्तान के कौन से शहर से रहा है, आपका इब्तदाई माहौल क्या था, आपकी तालीम और परवरिश, फिर इसके बाद किस तरह आप मुलाजिमत में दाखिल हुई। जी, सो पहले तो इस प्रोग्राम के सभी देखने वालों को मेरा आदाब और नमस्कार। मेरी पैदाइश हुई थी बिहार में। अच्छा जी, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है छपरा। हाँ, और उस छपरा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। अच्छा। इट्स वेरी रिमोट एरिया विलेज है। जी जी। जिसका नाम है उलहनपुर। अच्छा। सो मेरी पैदाइश वहाँ हुई थी। मेरे वालिद साहब और मेरे दादा साहब सब लोग वहाँ के थे, उनके रूट्स वहीं पे हैं। अभी भी हमारा खानदानी मकान है वहाँ पे। जी जी जी। उसके बाद उन दिनों जॉइंट फैमिली का सिस्टम हुआ करता था। yeah. तो जब मेरी पैदाइश हुई उसके कुछ दिनों बाद तक हम प्राइमरी 3-4 साल तक हम वहाँ थे। yeah, yeah. और मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में थे। तो उसके बाद जब हमारी स्कूलिंग का टाइम आया, yeah, तो yeah. उन्होंने ये डिसाइड किया कि वहाँ बेहतर एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने हमें जो है मेरी वालदा मोहतरम को, और मैं थी और उन दिनों मेरी एक बड़ी सिस्टर, अच्छा, हम दोनों को, तो उन्होंने स्कूल में बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए जी जी। उन्होंने उस वक्त जहाँ उनकी पोस्टिंग थी वो हमें वहाँ से ले गए। तो मेरी तालीम शुरू हुई भुज से। अच्छा। जो उस वक्त बहुत ही रिमोट एरिया होता था जब हमने एजुकेशन शुरू की। जी। और उसके बाद वो गोरखपुर रहे, उसके बाद उनकी पोस्टिंग कानपुर रही, अम्बाला रही। तो अम्बाला से मैंने केवी अम्बाला से 12th पास किया। जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो दौर अलग था। जी हाँ। 95-96 उस टाइम में गूगल नहीं था, अभी हर इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल इट्सेल्फ। जी जी। वो ज़माना वो नहीं था, और ना ही फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी थी कि कोचिंग हो पाए। जी जी। मैं अच्छी स्टूडेंट थी पढ़ने में। जी जी। और जब मेरी बड़ी बहन का एडमिशन जो है गया मेडिकल कॉलेज, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS में एडमिशन ले लिया था, वो मेरे से 2 साल सीनियर थी, और जब भी वो हॉस्टल से आके अपनी कैडेवर डायसेक्शन की बातें बताती थी तो मेरा इंटरेस्ट उस तरफ होने लगा। तो मैं इन अ वे थोड़ा कन्फ्यूजन में थी, हालांकि मेरे वालिद साहब बहुत क्लियर थे, हम लोग 4 बहनें हैं और एक भाई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सब लोग अलग अलग फील्ड में मुझे इनको लेके जाना है। तो उनका इंटरेस्ट शुरू से था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं, और यही ये था कि मैंने बस एक ही एग्ज़ाम दिया, ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए, एक ही कना पापा वहाँ पोस्टेड थे अम्बाला में, तो मैंने हरियाणा CT का एग्ज़ाम दिया था। जी जी। और मेरा हो गया सिलेक्शन और एडमिशन भी हो गया। मैंने इनफैक्ट MBBS का भी उस वक्त CBSE का एग्ज़ाम दिया था, बिहार PMT का एग्ज़ाम दिया था, और उसमें भी मेरा हो गया। बिहार PMT में मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम था, तो क्योंकि मैं एडमिशन ऑलरेडी ले चुकी थी। आपने इंजीनियरिंग कोर्स में? जी जी, मैंने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा जी जी से इंजीनियरिंग की। तो स्पेशलाइजेशन क्या रहा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने जी एडमिशन लिया। जी जी। तो वो फिर हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से किया, और क्योंकि मैं थ्रू आउट मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी एंड इंजीनियरिंग में भी मैं थ्रू आउट डिस्टिंक्शन होल्डर थी, तो मुझे हर साल की फी भी स्कॉलरशिप में हो जाती थी, बुक्स भी कॉलेज लाइब्रेरी से मिल जाती थी, तो ऐसा कोई खर्चा नहीं रहा वालिद साहब पे ज़्यादा, क्योंकि एक छोटी सी इनकम में MBBS एंड इंजीनियरिंग दोनों कराना जी, तो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि MBBS की तो किताबें ही बहुत महंगी आती थी, 7,000-8,000 की उनकी किताबें ही आती थी। बट अल्लाह का शुक्र रहा कि मुझे पूरी स्कॉलरशिप मिल गई।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या रहा स्टेप फिर जी? सो मैंने जो है इंजीनियरिंग जब पास आउट की तो मुझे इंजीनियरिंग ऑनर्स डिग्री मिली, क्योंकि मैं थ्रू आउट 8 semesters डिस्टिंक्शन होल्डर रही थी कॉलेज में. और उसके बाद क्योंकि मैं अपनी हम अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन ऑफ ग्रेजुएशन हमने किया, तो नेचुरली उसके बाद एक इंक्लिनेशन तो था ही कि इस लेवल पर रुकना नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट करना ही करना है. जी जी. तो वो माइंड में था. तो उसके बाद हमने गेट दिया फाइनली हमें, सो गेट के थ्रू एमटेक में एडमिशन लेने के लिए, और गेट भी मेरा क्लियर हो गया और मुझे एडमिशन फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में मिल गया. और फिर मैंने 2 साल वहाँ से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किया. जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर का है तो दुनिया भर में इसकी शोहरत ज्यादा है. बिल्कुल बिल्कुल. जी 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 जी. तो यहाँ से आपने किस स्पेशलाइजेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया? सो मैंने हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, और वहाँ भी मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अकेले थी. अच्छा. क्योंकि आप जानते हैं यू नो कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग में बहुत कम जो है लेडीज रहती हैं. हाँ हाँ. एंड तो वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2 साल. इनफैक्ट मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का वर्क जो है रिसर्च वर्क IEEE में पब्लिश भी हुआ, इंटरनेशनल रिप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नल है. और उसी वक्त जब मैंने गेट दिया था उसी दौरान मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दिया था. एंड काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, और 3 दिन मैंने एग्ज़ाम दिया इसका. उसके बाद फिर पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है, उसके बाद फिर मेडिकल्स, और फिर डिपार्टमेंट एलोकेशन. सो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या रैंक आई है और आपने क्या चॉइस दिया है आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है. तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 32 थी, और मैंने ऑप्शन दिया था इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, और जो कि मुझे मिल गया. वैसे तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है ये एक कठिन परीक्षा होती है हिंदुस्तान में, और इसके सक्सेस रेट भी बहुत कम होती है, और महिलाओं का इसमें आना, ख्वातीन का आना बहुत ही दिक्कत तलब और मशक्कत तलब और एक चैलेंज समझा जाता है. जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपने ऑप्शन दिया था इंडियन डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स का, और मैंने ये मालूम किया कि आपके रिज्यूमे से कि आप भारत में दूसरी महिला रही हैं जो इस कोर ग्रुप को आपने ज्वाइन किया, इस सर्विसेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे भी बहुत ये कई बार सरप्राइजिंग और शॉकिंग लगता है, बिकॉज इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस अंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लाइक एनी अदर सर्विसेज, जैसे आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज बाकी भी हैं जो सिविल सर्विसेज के थ्रू हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विसेज. एंड द ये सर्विस रूल सर्विस 1949 में इसके रूल्स नोटिफाई हो गए थे, और उसके बाद जब अपना संविधान लागू हुआ तो 1950 के बाद ये स्टेट्यूटरी हो गए. तो इसमें कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. और डिफेंस सुन के कई बार लोगों को लगता है, या द कोर इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स से लोग मैक्सिमम जो पोस्टिंग मिलती है वो आपको मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में मिलती है, तो कई बार लगता है मिलिट्री है ना, तो ऐसा कुछ मिलिट्री नेचर नहीं है, ये कम्प्लीटली टेक्निकल है. इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के ऑफिसर्स जो हैं ये सर्विस बैकबोन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ दी ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने ज्वाइन किया, मैं ISC में ऑलरेडी MTech कर रही थी, और मुझे मैंने दिल्ली में मुझे पता चला कि पहली पोस्टिंग जो वो देते हैं वो यूजुअली आपके होम टाउन में देते हैं, और मेरा होम टाउन था बिहार. अच्छा. तो मैंने बोला कि भाई मुझे बिहार नहीं चाहिए, और मैं यहाँ से MTech कर रही हूँ तो आप मुझे पहली पोस्टिंग यहीं दें. UPSC बहुत कंसिडरेट है, वो चाहते भी हैं कि बच्चे छोड़ ज्वाइन करें, है ना, छोड़ के. पहली पोस्टिंग बैंगलोर, बैंगलोर ही से शुरू हुई मेरी, और मेरी पहली पोस्टिंग थी चीफ इंजीनियर एयरफोर्स बैंगलोर में एज एन IDSC प्रोबेशनर ऑफिसर. सो वहाँ से मेरा शुरू हुआ, ISC के बहुत पास है. तो बैंगलोर से आपका नाता बहुत पुराना है. बहुत पुराना, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया आपने, फिर उसके बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बाद आपकी पहली पोस्टिंग भी यहीं से शुरू हो गई. जी जी.
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अहम जिम्मेदारियां निभाते हुए यहां तक का आपने तवील सफ़र तय किया है। हमारे मेहमान मोहतरमा नाज़नीन बानो, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तरफ वो दुनिया थी आपकी डिफेंस सर्विसेज में इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह, आप गैरिसन इंजीनियर भी रही हैं, और दूसरी भारतीय महिलाएं थीं जो तीन बार आपने उस जिम्मेदारी को निभाया। एक तरफ वो टेक्निकल लाइन और फिर इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत इस जो खूबसूरत जो हब है, सेंटर है आर्ट एंड कल्चर का, यहाँ खिदमत अंजाम देते हुए आपके क्या तजुर्बा? मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा रहा यहाँ पे आने के बाद। जी जी, डिफेंस के बाद कल्चर में अगर मैं कहूँ तो हाँ, मैंने 16 साल जो है मैंने अपनी ज़िंदगी के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मिलिट्री पार्ट, और मुझे कमेंडेशंस भी मिले, अवार्ड्स भी मिले अपने टेन्योर में, और अब मैं आके आई एम स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल पावर ऑफ द कंट्री एंड यू नो प्रोपोगेटिंग इट। वी इन अ वे वी आर डेवलपिंग द कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सो फ्रॉम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर टू कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा तजुर्बा और ये ट्रांजिशन बहुत अच्छा रहा जब से मैं आई हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बैंगलोर जो है तीसरा सेंटर है एनजीएमए का, इसके दो सेंटर दिल्ली और मुंबई में है। एनजीएमए जो है बैंगलोर 2009 में शुरू हुआ, ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट है। हमारा कलेक्शन जो एनजीएमए का है, जो बहुत ही बेहतरीन ट्रेजर्ड कलेक्शन है, और करीब 18,000 से ऊपर ट्रेजर्ड कलेक्शन हमारे पास हैं। तो प्राइमरली हमारा एम यही रहता है कि कैसे हम आर्ट को मासेस तक पहुँचाएँ, और बहुत सारे प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट करती है, हमारी आउटरीच एक्टिविटीज़ रहती हैं, स्पेशली टू टेक इट, आर्ट को लिंक किया जाता है एलिटिस्ट से, स्पेशली मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट। तो सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि ये जो कल्चर है, जो आर्ट है, जो हेरिटेज है, ये हम सबका है, इट्स अ कलेक्टिव प्राइड, यू नो, एंड इट शुड बिलोंग टू एवरीवन, एवरीवन शुड फील एंड टेक प्राइड इन दीज वर्क्स। तो जब से मैं आई हूँ मेरी कोशिश ये रही है कि मैं इसको मासेस तक पहुँचाऊँ। तो हमने एक प्रोग्राम तो अंडर प्रिविलेज के लिए शुरू किया, जो कि एक आउटरीच प्रोग्राम है, जहाँ हम जो है ताल्लुकात बनाते हैं एनजीओज के साथ और रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ, और उनके बच्चों को, और कई एनजीओज जहाँ की बच्चे फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में नहीं हैं, उनके साथ और उनके बच्चों को हम यहाँ लाते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि पिछले 2 सालों में मैंने देखा कि बहुत सारे उनके जो टीचर्स हैं वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, वो भी कभी किसी मॉडर्न आर्ट गैलरी में नहीं गए हैं और वो ड्राइंग टीचर हैं या इस तरह की। तो बड़ा उनके बच्चों की जो एक्साइटमेंट है वो टीचर में भी झलकती है। और पिछले करीब 2 सालों में हम 1600 से ज़्यादा बच्चे ला चुके हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बैंगलोर में। इसके अलावा एक प्रोग्राम मैंने और शुरू किया है, वो ये कि हमने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बैंगलोर को बीएमटीसी की बेंगलुरु दर्शनी स्कीम में डाल दिया है। अच्छा, तो अब जो वो डे टूर बीएमटीसी का ऑपरेट होता है बेंगलुरु दर्शनी, वो बस रोज हमारे यहाँ भी आती है, जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए भी एक हब है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि यू नो डाइवर्स तरह की ऑडियंस हमारे पास आए, और जो लोग बस में ट्रैवल करते हैं और साइट सीइंग देखते हैं, तो अब वो बस हमारे यहाँ आने लगी है इस साल मार्च से, और हर रोज एक नए सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो कनेक्ट हो रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के साथ। मैं नाज़िम बानू, ये अब हम वैसे तो आपके ताल्लुक से और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स के ताल्लुक से जानकारी हासिल करने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है, इस मुख्तसर सी मुलाकात के हम आखिरी पड़ाव पर पहुँचे हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह बेंगलोर में बसने वाले, जिस तरह मैं हूँ, कि हम सब की ये पसंदीदा जगह रही है जो आर्ट कोनाइजर्स हैं, तो बेंगलोर के आर्ट एंड कल्चर से जुड़े लोगों को नज़दीक लाने के लिए आपने जो काम किया है, इसके ताल्लुक से कुछ और मज़ीद हमारे लिए कुछ आप जानकारी दें। हाँ, तो जैसे मैंने बताया, प्राइमरीली तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एक म्यूजियम ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट है। तो हमारा फोकस रहता है कि हम अलग अलग तरीके के एग्जिबिशंस करें, जैसा कि आप देख रहे हैं यूसुफ अरकल साहब का, कि जो कि बहुत ही सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट रहे हैं, और उन्होंने अपना एक नाम, एक मुकाम बनाया है, और बहुत अवॉर्डेड आर्टिस्ट रहे हैं। बट इसके अलावा हम बहुत सारी आउटरीच एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स करते हैं, और तकरीबन सोच लीजिए तो हर वीकली 2 या 3 ऐसे प्रोग्राम होते
होते ही हैं जो हम डिज़ाइन करते हैं डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, आर्ट स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, एमेच्योर्स के लिए भी हैं, आर्ट लवर्स के लिए भी हैं, इसके अलावा आर्टिस्ट के लिए भी हैं। बीच में हमने प्रोग्राम चर्चे शुरू किया था, या आर्ट अड्डा हो गया, या आर्ट टॉक हो गया, देन पैनल डिस्कशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग है, बहुत वाइड है। और इसके अलावा हम जो है ICCR के साथ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स भी करते हैं, विच इज़ ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स, और बहुत सारे ऑल कोलैबोरेशन प्रोग्राम्स हम करते हैं ताकि डाइवर्स लोगों को हम यहाँ तक ला पाएं, क्योंकि आर्टिस्ट और आर्ट लवर्स तो अपने आप ढूंढता हुआ चला आएगा इस गैलरी में। हमारा मकसद ये होता है कि जो नहीं आ रहा उसको कैसे लाया जाए, उसको भी दिखाया जाए कि ये तुम्हारा भी हेरिटेज है। बिल्कुल सही बताया आपने। तो आपने ये रेस्पॉन्स किस तरह महसूस किया कि आर्ट एंड कल्चर के जो लवर्स हैं यहाँ की एक्टिविटीज़ के साथ किस तरह वो जुड़ रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोविड के पहले और कोविड के बाद में आज की डेट में हमारा फुटफॉल ऑलमोस्ट 200-300% बढ़ गया है। अच्छा, जी जो इससे पहले था, वीकेंड्स पे तो ऑलमोस्ट 600 लोग भी आ जाते हैं, 600-700 लोग भी आ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। और कई लोग मुझे मेल भी करते हैं कि मैडम आप ये एक्टिविटी करिए, तो उनको भी हम अपने संज्ञान में लाते हैं। मैं अपने क्यूरेटोरियल टीम को बताती हूँ कि आप इनसे रब्ता बनाइए और हम मिलके कोलैबोरेटिव कोई प्रोग्राम करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हर तरह का आर्ट हो, कल्चर हो, कोई हम बहुत ज़्यादा गैप। एक चीज़ मैंने यहाँ देखी कि वो जो डिफरेंस है ना, डिवाइड बहुत ज़्यादा है, ये ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न है, ये फोक है, ये वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, अगर सब साथ आएंगे तभी ग्रो करेंगे, ये डिवाइड जो है कम होना चाहिए। जी तो यहाँ जो हफ्ते में बिल्कुल ये 7 दिन खुला रहता है, किस दिन छुट्टी होगी इसकी यहाँ पे? जी, सो हम सोमवार के दिन छुट्टी रहती है, मंडे को। एंट्री के लिए कुछ टिकट वगैरह भी? जी, एंट्री के लिए जो है बहुत नॉमिनल सा टिकट है, 20 रुपए है इंडियन सिटीजन के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए फ्री है। कॉलेज स्टूडेंट्स भी जो ग्रुप में आते हैं उनको स्पेशल परमिशन अगर वो मांगते हैं तो मैं ज़रूर उनको ग्रांट कर देती हूँ। अगर एजुकेशनल ट्रिप है तो मैं एग्जम्प्ट कर देती हूँ उनको। उसके अलावा भी कई बार कोई रिक्वेस्ट आ जाती है स्पेशल, तो हम ज़रूर उसको, बिकॉज हमारा काम है आर्ट को प्रोत्साहन देना, लोगों को इसके करीब लाना। रेवेन्यू जनरेट करना मेरा काम नहीं है, हम कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ आर्ट में नहीं। तो आर्ट के ताल्लुक से कॉन्शियसनेस को उजागर करना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो उस लिहाज से जो भी बन पड़ता है, हम जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं, क्वेरीज आती हैं, हम ज़रूर उसको जो है अपने लेवल पर रिजॉल्व करते हैं, और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स बेंगलोर की डायरेक्टर मोहतरमा नाज़रीन बानो से हमने गुफ्तगू की। उन्होंने ख़ुद अपने मुतालुक और अपनी मुलाजिमत का सफ़र के मुतालुक और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स की अहमियत और किस तरह यह मरकज़ जो है न सिर्फ बेंगलोर बल्कि पूरे जुनूबी हिंदुस्तान को अपनी जानिब आर्ट कॉन्शियसनेस यानी एक आर्ट एंड कल्चर जो भारत की परंपरा रही है उसको उजागर करने के लिए, शऊर को बेदार करने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ की जो डायरेक्टर हैं मोहतरमा नाज़रीन बानो, आपका दिल की गहराइयों से और दूरदर्शन बेंगलोर चंदना की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सब देखने वालों को मैं ज़रूर एक बार अपनी तरफ से इनवाइट करना चाहूँगी कि हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट कर्नाटका के यूसुफ अरकल साहब का रेट्रोस्पेक्टिव एग्जिबिशन लगाया है। आप ज़रूर आइए, इस एग्जिबिशन से जुड़िए। मुझे लगता है कि इस एग्जिबिशन में हर कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है लेके जाने के लिए। यूसुफ अरकल साहब का आर्ट इज़ फॉर द लार्जर ह्यूमैनिटी, एंड इट इज़ एन आर्ट ऑफ ग्रेट रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। सो मैं सारे बैंगलोर के और सदर्न रीजन के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर आइए और ये एग्जिबिशन देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।